नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। मैं हमेशा आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ यूट्यूब पर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और मेरे वीडियोस को देखते भी हैं। उसके लिए मैं सभी ऑडियंस का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है वो मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही टेक्निकल है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने टेक्निकल शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसमें मिस्टेक का पता लगा है, और मिस्टेक का पता लगाना इसलिए मैंने इसको टेक्निकल शब्द का प्रयोग किया है। इसमें अपन जरा सी भी मिस्टेक हो, नामांकन मिसमैच हो, तो अपन थोड़ा सा एक टाइम तो मतलब मिस्टेक अपन को नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर अपन थोड़ी देर में अपन उसको सर्च करते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है, तो अपन को मिस्टेक नज़र आती है। इसलिए मैंने इसमें टेक्निकल शब्द का यूज़ किया है। आपके अपने विद्यालय का जो शाला दर्शन है उसको लॉगिन करेंगे, यहाँ पर इनरोलमेंट कंपैरिजन रिपोर्ट, यहाँ पर इसको आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर P3 में जो नामांकन बता रहा है, यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, स्कूल का नाम है, डाइस कोड है, और P3 का जो नामांकन है आपने PO लॉगिन पर जो अपडेट किया है, जिसमें P3 जो प्रपत्र है, प्रपत्र 3 जिसको, जिसमें जो अपना नामांकन होता है उसके निर्देश अनुसार, SSC के निर्देश अनुसार अपन को उसमें नामांकन, अगर मान लो कभी स्टूडेंट का नाम पृथक किया अपन ने, या नए स्टूडेंट का अपन ने प्रवेश किया है, या कोई इनरोलमेंट मिसमैच होने पर प्रत्येक कभी भी अपन इसको अपडेट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो अपने 3A और 3B की जो सूचना है वो उसके अनुरूप होनी चाहिए, और उसमें अपन को नामांकन प्रत्येक समय में अपडेट करते रहना चाहिए। जब अपने स्कूल में जो नामांकन कम होता है या ज़्यादा होता है तो इस रिपोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉयज़ की संख्या बता रही है 38, और यहाँ पर जो गर्ल्स की टोटल नामांकन बता रहा है यहाँ पर 45। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल में आपको एक मिस्टेक दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर 39 है और यहाँ पर 44 है, जबकि यहाँ पर P3 का नामांकन जो अपडेट किया हुआ है जो PO लॉगिन पर है। आप यहाँ से PO लॉगिन कर, आप PO लॉगिन पर P3 की सूचना भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रपत्र 3 के निर्देश आप देख रहे हैं कि कक्षा ग्रुप वार नामांकन प्रपत्र 3 में नामांकन सदैव विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार सेव करें। दूसरा पॉइंट है, विद्यालय में नामांकन में किसी भी प्रकार का बदलाव या नव प्रवेश, नाम पृथक, TC जारी होने पर प्रपत्र 3 में नामांकन को अपन को सेव करना है। और तीसरा जो है, प्रपत्र 3 का नामांकन सदैव 3A 3B के संख्यात्मक विवरण के बराबर होना चाहिए, मतलब कि अपन को प्रत्येक समय इसको अपडेट करते रहना है, क्योंकि अगर नव प्रवेश होता है या नाम पृथक होता है या TC जारी अपन विद्यालय में स्टूडेंट के करते हैं, ये समस्त सूचना जो है वो विद्यालय से रिलेटेड है, विद्यालय की है, शाला दर्शन, प्रारंभिक शिक्षा। और इसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नामांकन बता रहा है यहाँ पर ये 38 45, लेकिन अपन को यहाँ पर जो नामांकन कंपैरिजन जो नामांकन है वहाँ पर अपन को इनरोलमेंट में अपन को यहाँ पर 38 45 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट की जो संख्या आ रही है वो 39 है, और यहाँ पर गर्ल्स की जो सूचना आ रही है वो 44 है, यानी कि मिसमैच है। ये मिस्टेक कहाँ से हो सकती है? मेरे साथी का भी टेलीफोन आया था, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे स्कूल का विद्यालय लॉगिन करके आप देखिए इसमें क्या मिस्टेक है। तो इसके लिए अपन मिसमैच कहाँ पर हुआ है, इसमें मिस्टेक कौन सी हो सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बॉयज़ की संख्या 38 और गर्ल्स 45, यानी कि यहाँ पर 39 बता रहा है, इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स जो अपडेटिंग हुई है अपनी, जो जुलाई अगस्त में अपन ने नव प्रवेशित बच्चे का अपडेशन किया है, 3A 3B जब अपन ने अपडेट किए हैं, उस समय जो चॉइस किया है अपन ने गर्ल्स को बॉयज़ हो गया है या बॉयज़ को गर्ल्स हो सकता है, ये मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पर उसके लिए अपन पहले तो ये देखना है कि किस स्टूडेंट का ये मिस्टेक है, या कौन से गर्ल्स में, मतलब कौन से स्टूडेंट का मिस्टेक। तो उसके लिए अपन को यहाँ पर टोटल नामांकन तो बता रहा है 83 बता रहा है, अब इसमें 83 में तो अपन अनुमान लगा नहीं सकते कि कौन से स्टूडेंट के लिए कौन से। उसको सरल तरीके से देखने के लिए अपन यहाँ स्टूडेंट की टैब में विद्यार्थी शाला दर्शन ID इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सीजन सेलेक्ट करेंगे 17-18, क्लास ऑल, और सेक्शन में अपन S सेलेक्ट कर लेंगे और शो बटन पर क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पर अपने विद्यालय में जो भी टोटल नामांकन है उसकी डिटेल अपन देख लेंगे। यहाँ पर शाला दर्शन की जो आईडी दी हुई है विद्यालय में, जो प्रत्येक स्टूडेंट के नाम से वहाँ से इशू हुई है, उस इशू आईडी में यहाँ पर क्रम संख्या, नाम स्टूडेंट, क्लास, सेक्शन, अभिभावक का नाम, माता का नाम और यहाँ पर दिया हुआ लिंक। वैसे तो ये लिंक समस्त स्टूडेंट का तो किसी में भी नहीं बताया गया, लेकिन शाला दर्शन की जो आईडी अपन अगर ओपन करते हैं तो इसमें बॉय गर्ल्स का लिंक बताया गया है, जिससे ही अपन को अनुमान लगेगा कि किस मिसमैच, यहाँ पर कौन से स्टूडेंट की मिस्टेक हुई है, जिसको अपन ने अपडेटिंग करते समय बॉयज़ की जगह गर्ल्स कर दिया है, गर्ल्स की जगह बॉयज़ कर दिया है, तो इसको अपन यहाँ से पता लगा सकते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट का नाम अपन चेक करेंगे अपने विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार। अब अपन ने यहाँ पर लास्ट देख लिया कि 83, लेकिन इसमें एक स्टूडेंट को यहाँ पर अपडेट करते वक्त जो स्टूडेंट है उसकी जगह पर गर्ल्स हो गया है, जिसको अपन बॉयज़ कर देंगे, जिसे यहाँ पर क्रम संख्या 10 पर मुझे मिला है ये स्टूडेंट, और यहाँ पर उसका लिंक बताया गया है, बॉयज़ बताया गया है यहाँ पर 10 नंबर पर, यहाँ पर बॉयज़ हो गया है जबकि वो गर्ल्स है। तो इसको अपन अपडेट करने के लिए पीओ लॉगिन में जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि अपनी वहाँ पर है, तो आप पीओ लॉगिन करने के बाद में स्टूडेंट की टैब में यहाँ विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि करें, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पीओ के अंतर्गत समस्त विद्यालय की लिस्ट खुलने पर अपने विद्यालय को अपन चॉइस करेंगे। विद्यालय चॉइस करने के बाद में यहाँ पर विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रविष्टि, उसमें अपन 3A 3B की रिपोर्ट में जाएंगे, जहाँ पर अपन को मालूम है कि वो जो गर्ल्स है उसका अपन को लिंक चेंज करना है, बॉयज़ हो गया है उसकी जगह पर अपन को गर्ल्स करना है, तो यहाँ पर अपन क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसको अपन को मालूम है वो पहली क्लास में है, और सेक्शन ए और गो बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 10 नंबर पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3A में अपन जाते ही यहाँ पर जो विद्यार्थी का नाम है और उसका लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट है कि पायल लड़की का नाम है और यहाँ पर उसका लिंक सेलेक्ट हुआ है बॉयस, इसको अपन गर्ल्स करेंगे और यहाँ पर अपडेट बटन पर अपन क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डाटा सेव सक्सेसफुली, यानी कि जो अपनी स्टूडेंट की जो रिपोर्ट थी वो कंप्लीट हो गई है, अपडेट हो गई है, यानी कि अपने 38-45 का जो नामांकन अपन को 3A के मुताबिक करना था उसके समतुल्य, तो वो अपन ने यहाँ से कर लिया है। अब अपन ने उसको अपडेट किया है, अपन यहाँ पर देख सकते हैं अपने विद्यालय को लॉगिन करने के बाद में, यहाँ पर देखेंगे अपन स्टूडेंट की टैब में एनरोलमेंट कंपैरिजन, इसको क्लिक करेंगे अपन। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अपना नामांकन जो है, स्टूडेंट एनरोलमेंट जो अपने विद्यालय का है वो P3 के समतुल्य हो चुका है, यानी कि P3 के मुताबिक ही था, बट यहाँ पर 3A और 3B के समतुल्य नहीं था, जिसमें अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर 38 और यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल में यहाँ पर 39 आ रहा था पिछले में, जो अब यहाँ पर 38-45 और स्टूडेंट डिटेल में भी 38-45, 3A और 3B में भी जो नामांकन इसके समतुल्य हो गया। तो इस तरीके से आपके आप अपने विद्यालय में भी इसको चेक कर सकते हैं, अपने विद्यालय में भी हो सकता है अपडेटिंग के मिस्टेक हो सकती है, तो आप अपने इस तरीके से आप अपनी मिस्टेक को सुधार सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो अपना इनरोलमेंट है वो P3 के मुताबिक होना चाहिए, उसमें 3A 3B के डाटा जो हैं वो भी उसके मुताबिक होने चाहिए। ये वीडियो मैं आपकी सुविधा के लिए बनाता हूँ, इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास की स्थिति में आप विभागीय आदेश को ही अधिकृत माने। मेरे साथी अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि मुझे कंप्यूटर वर्क ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो इसमें महारत हासिल है, ऐसा बताते हैं, लेकिन मैं ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाता हूँ, जिसमें अधिक से अधिक आप समय पर काम कर सकें और गलती जहाँ तक होने की संभावना ना रहे। एक बार पुनः थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके मित्रों, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको अगला वीडियो मोबाइल नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।